हेलो दोस्तों, सेवा जोहार। मैं हूँ अभी अपने गांव में, ये देख सकते हैं, और मैं हूँ नदी के पास। ये यहाँ पे कांदा खोदा जा रहा है, वही आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो में। तो कंटिन्यू बने रहना दोस्तों, आज पूरा वीडियो देखने, लाइक सब्सक्राइब वापस करें दोस्तों। और कुछ नया दिखता तो आप लोग पहुँचाते हैं। तो ये देख सकते हैं नज़ारा, तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहना। आज दिखाते हैं, आज जो भी है नया कुछ और दिखाते हैं। अभी हम पहुँचे हैं अपने गांव पे, तो पहले देसी कांदा जो गांव में सकला कांदा बोलते हैं, वही खोद रहा है भाई लोग, वही आप लोगों को दिखाते हैं कैसा रहता है, उसके पत्ते कैसे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू बने रहो, तो आगे वीडियो में और भी कुछ नया दिखाते हैं। जमीन पे इसके कंधे होते हैं, ये पत्तियां देख रहे हैं दोस्तों आप, और ये रही फसल। ये शकरकंद की खुदाई यहाँ पे शुरू हो रही है। ये देखिए बाजू में भी दोस्तों शकरकंद की फसलें लगी हुई हैं। ये फसलें नदी के किनारे किनारे लगे हुए काफ़ी क्षेत्र में जो है शकरकंद की फसलें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कि अब पूर्ण रूप से पानी की कमी के कारण जो है यहाँ पे फसल की पैदावार यहाँ पर खास नहीं है। और ये है दोस्तों बेशरम के पौधा है, नदी किनारे लगी हुई हैं। ये फूल इस प्रकार से होते हैं दोस्तों पत्तियां। ये रहा शकरकंद दोस्तों, इस प्रकार से खोदने के बाद में फसल पैदा होती है। अभी यहाँ पे क्या है, कुछ भाई लोग जो है शकरकंद को खोद रहे हैं, यही दिखाना था दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक अवश्य करें, पूरा वीडियो देखें दोस्तों। ये सूख चुकी है यहाँ की फसल जो है, इसलिए खुदाई चालू है। ये जड़ है दोस्तों इसी की, कंधे की जड़ कहेंगे। इस
प्रकार से भोले जैसा होता पौधा, इसकी ये जड़ें हैं। और ये जो दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, ये जो ये ख़राब हो चुका है, गल जाती हैं तो इसको फेंक दिया गया है। ऐसे ही कांदा होते हैं जिसको शकरकंद कहते हैं। चलते जो है इनको फसल की खुदाई करनी पड़ रही है, नहीं तो अभी ये रहती फसल। ये नज़ारा है दोस्तों नदी का, जो पूर्ण सूख चुकी है।